इंटरनेशनल नर्सिंग डे 12 मई को मनाया जाता है और हमारे साथ इस वक्त ऐसी संस्था मौजूद है जो कि नर्सों को ट्रेनिंग देकर उनकी प्लेसमेंट विदेश और विदेश के अंदर करवाती है। हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, इंटरनेशनल नर्सिंग डे के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस साल इंटरनेशनल नर्सिंग डे बहुत ही सिग्निफिकेंट है क्योंकि WHO ने अभी अनाउंस किया है कि पूरे देश, पूरे विश्व में अगर जितना भी हेल्थ केयर वर्कफोर्स है उसका 50% नर्सेस एंड मिडवाइफ्स है और उनका जो अपस्किलिंग और उनका ख्याल रखना हर देश का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। तो इस साल इसीलिए इंटरनेशनल नर्सिंग डे बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ख़ास करके नर्स लोगों ने जितना भी मेहनत किया और जितना भी वो उन्होंने सेवा किया कोविड टाइम में, वो हमको याद रखना चाहिए। कोविड के टाइम पे नर्सिंग की, नर्स की बहुत ज़्यादा मतलब कि भूमिका थी, अहम भूमिका थी। कई नर्सें ने अपनी जान भी गवाई इस दौरान, इस कोरोना महामारी के दौरान, और कई मतलब कि बहुत ज़्यादा दिक्कत में भी रहे हैं। सर, उनको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नर्सेस ने बहुत ही मेहनत किया और शुरू में मैं खुद ही देखा है जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है उसको पहनते हुए और 7-8 घंटा काम करना कितना मुश्किल है, एक डॉक्टर होकर हम उसको समझ सकते हैं। लेकिन नर्सों ने कभी भी पेशेंट को छोड़ा नहीं और ऐसे करते करते बहुत लोगों को जान भी गया है। तो इसी जो नर्सेस ने जो बलिदान दिया, जो सेवा किया, एक नेशन को उसके ख्याल रखना चाहिए और इसीलिए हमारा ये जो इनिशिएटिव अपस्किलिंग है ये वो नर्सेस के लिए एक ट्रिब्यूट है। सर, अगर मैं आपकी संस्था की बात करूं तो आपकी संस्था क्या काम करेगी नर्स, कुछ इनको कितने साल का आपकी ट्रेनिंग रहती है और क्या कुछ सिखाते हैं और कहाँ कहाँ प्लेसमेंट करवाते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। कि आज जो लॉन्च हुआ है उसमें मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन है ज़ेन लर्निंग एकेडमी, वो अपस्किलिंग कराते हैं और जो दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है पैरामेडिफ है, वो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। तो पहले जो है नर्स फ्री ऑफ कॉस्ट ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद उसके उनका एक फ्री ऑफ कॉस्ट असेसमेंट होंगे कि उनके कॉम्पिटेंसीज क्या है, उसके हिसाब से उनका जो अपस्किलिंग है वो ट्रेनिंग प्रोग्राम हमने ऑलरेडी किया है, 2 से 3 महीने का वो ट्रेनिंग प्रोग्राम चलेगा और उसके बाद उन नर्सेस का प्लेसमेंट का जिम्मेदारी भी ये प्लेटफॉर्म ले रहा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, चाहे देश के अंदर है कि देश के बाहर है, एम्प्लॉयमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट। सर, अगर बात करें फीस की तो क्या फ्यूज फीस रहती है इसकी, और मतलब कि जो ये नर्स आपके पास ट्रेनिंग करने के लिए आती है ये क्या ग्रेजुएट होके आती है या कुछ थोड़ा सा बताएं? नर्सेस जो है ज़्यादातर GNM नर्सेस है, BSc नर्सेस है। अगर कोई नर्स बाहर जाना चाहता है उनके लिए BSc क्वालिफिकेशन मस्ट है। बाकी हमारे देश में जो है GNM क्वालिफिकेशन विद स्पेशलिटी जो सर्टिफिकेट है वो नर्स काम करने के लिए लायक है। हमारा मकसद ये है कि नर्सेस का जो अपस्किलिंग, जो अभी जो नया स्किल्स आ रहा है जैसे डिजिटल लिटरेसी, टेलीमेडिसिन का यूज़, नया नया जो मशीन्स आ रहा है उनका यूज़, उनके अपस्किलिंग करा के कम्युनिकेशन स्किल्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेशेंट से कैसे बात करना है, बाहर देश में इंपॉर्टेंट है, हमारे देश में भी इंपॉर्टेंट है, इनका जो एक शिक्षा होता है ये 2 से 3 महीने के अंदर हम देंगे। इससे पहले अगर सर, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, इससे पहले आपकी कहाँ कहाँ पे मतलब की ब्रांच है, कितनी आपने नर्स ट्रेंड की हैं और कितनी प्लेसमेंट्स आपने कब तक करवाई है, उसके बारे में थोड़ा बताएं। नर्स का जो ट्रेनिंग हो रहा है तो यहाँ से हम लॉन्च कर रहे हैं, इसके पहले हम फिजिशियंस ट्रेनिंग कर चुके हैं, मैं खुद 15 साल से फिजिशियंस ट्रेनिंग कर रहा हूँ और हमारा कम से कम 140 डॉक्टर को मैं खुद ट्रेन किया हूँ, उसमें 60-70% अभी बाहर काम कर रहा है। तो हमारा एक लंबा अनुभव है और उसी अनुभव लेके हम नर्सिंग ट्रेनिंग में अभी एंटर हो रहे हैं। सर, आपका मोहाली के अंदर कहाँ पे सेंटर है? मोहाली के अंदर हम पहले सेंटर हमारा माया हॉस्पिटल में आ रहा है, उसी के अंदर हमने जो ट्रेनिंग एकेडमी है वो बनाएंगे और वहाँ का जो नर्सेस है उनको, उनके साथ भी आज बातचीत हुआ तो वो लोग भी चाहते हैं कि उनका अपस्किलिंग हो जाए, तो उसी के अंदर पहले ट्रेनिंग सेंटर आएगा और धीरे धीरे हम स्टेट में दूसरे जगह भी जाएंगे। धन्यवाद सर। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना ना भूलें।